बीजेपी मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 15 महीनों के दौरान किसानों का 2 लाख का कर्जा तक माफ नहीं किया था। मंत्री सिलावट ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। लगभग 1,33,00,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इस बार प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और यह सिर्फ शिवराज जी के नेतृत्व में ही हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रवासी मजदूरों को अनाज उपलब्ध कराया है और किसी को पैदल चलने नहीं दिया। 100 दिनों में 2900 करोड़ फसल बीमा कर्जा शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों का माफ किया गया है। कांग्रेस की सरकार गरीब किसानों का 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये बोलकर कि 10 दिन में इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। रही बात उपचुनाव की, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और कांग्रेस को हम मिलकर हराएंगे। मेरे अन्नदाताओं से पूछता हूँ, जब यहाँ आए बोला 10 दिन में इस्तीफा ले लिया, 10 दिन में इस्तीफा ले लिया। अरे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, जो बम्पर मध्य प्रदेश की किसानों की जो गेहूं की पैदावार हुई 1,37,00,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा, पंजाब को पीछे छोड़ा, देश में नंबर 1, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रवासी मजदूर 15 लाख किसानों को गेहूं का, प्रवासी मजदूर लाखों को अन्य प्रांतों में भेजा, यहाँ भेजा, कहीं पैदल नहीं चलने दिया। संबल योजना प्रारंभ की, जो फसल बीमा था वो पूरा 2900 करोड़, क्यों भाई ये किसने किया 100 दिन में? अरे तुमने 15 महीने में 2 लाख नहीं कर पाए, 100 दिन में मामा के नेतृत्व में ये कोई कर सकता है देश में प्रदेश में? वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है।